के सूर्य नमस्कार। सिर्फ स्टेप बताएंगे, आप लोग कर सकते हैं तो एक बार करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा इधर देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा इधर से दिखा देते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, ये लोगों बैठे, इधर 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 करो, बढ़िया से खुल करके जो लोग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग सूर्य नमस्कार में क्या क्या गलतियां करते हैं और क्या क्या गलतियां आप लोग की नहीं होने चाहिए, सभी लोग को मालूम है। सूर्य नमस्कार तकरीबन सभी लोग को पता है, आप लोग योग शिक्षक है, आप लोग को पता है। लेकिन अगर श्वासों का ध्यान रख करके और सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसका जबरदस्त लाभ आपके बॉडी पे मिलता है। आपका शरीर क्या होता है, बिल्कुल स्वस्थ होता है, सुडौल होता है, सुंदर होता है। आपकी उम्र छुपती है। हमारा उम्र कितना है, किसी को पता है? पचास के लगभग, तो 54 साल हमारे उम्र चल रहा है। तो चलिए कम से कम 4 साल तो छोटा बताएं, तो आप लोग भी छोटे हो जाओगे, 4 साल, 5 साल, 10 साल। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिखा दे, करिएगा साथ में थोड़ा सा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनाहत चक्र के पास हाथ रखेंगे। इसका उद्देश्य भी आप लोग को बताऊंगा, करा नहीं रहा हूँ लेकिन बट आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ। हमारा जो बायां लंग होता है क्या होता है, वो ठंडे का प्रतीक होता है। क्या होता है? ठंडे का प्रतीक होता है। इसको बोलते हैं ईड़ा नाड़ी। क्या बोलते हैं? ईड़ा नाड़ी। और दाहिना भाग जो होता है हमारा क्या होता है, ये गर्म का प्रतीक होता है। ये सूर्य नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी, और ये पिंगला नाड़ी बोलते हैं। ये सूर्य का प्रतीक है और ये चंद्र का प्रतीक है। तो ये हमारा ठंडा और ये हमारा गर्म, दोनों को मिला दिए क्या हुआ, जैसे बल्ब को जलाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस और प्लस चाहिए ना, तो ठंडा है गर्म है मिला दिए। लेकिन स्विच कहाँ दबाए, अनाहत चक्र के पास। यहाँ जो अनाहत चक्र है वहाँ इन दोनों अंगूठे से यहाँ दब जाता है और ये आपका शरीर ऊर्जावान बन जाता है सूर्य नमस्कार करते समय। तो कैसे करेंगे, ये प्रणाम की मुद्रा है, एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा दिखाएंगे इसके बाद करेंगे। ये एक नंबर में, दो नंबर में क्या करेंगे, बॉडी को थोड़ा सा हल्का हल्का आगे जाते हुए श्वासों को भरते हुए दोनों पीछे की तरफ चले जाएंगे इस प्रकार से, और श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। जिन लोगों का बड़ा पेट है, नीचे नहीं जा पाते, इतना ही आ पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब बाएं पैर को हम पीछे ले जाएंगे तो दोनों हाथों को क्या करेंगे, अपने पैरों के बगल में रख देंगे, और जिन लोग कर सकते हैं तो लोग दोनों हाथों को क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे साइड में। फिर लंबा गहरा श्वास फेफड़े में भरेंगे, बाएं पैर को पूरा पीछे ले जाएंगे और दाहिने पैर को जितना आप आगे निकाल सकते हैं, ये देख लीजिए, जितना आप आगे निकालेंगे उतना बढ़िया होगा आपका। ये पिडली और ये जांग आपस में सट गए, दोनों हाथ आपका यहाँ पे, सीना आपका उठा हुआ, फेफड़े में पूरी हवा, सिर आपका ऊपर। अब श्वासों को बाहर निकालना है और दूसरे पैर को भी पीछे लेकर के जाना है। कैसे ले जाएंगे, अब देखिए एड़ी हमारा उठा हुआ, तो एड़ी को उठा के नहीं रखना, एड़ी को जमीन में सटा करके रखेंगे तो आपका हिप पूरा ऊपर की तरफ चला जाएगा, पर्वत आसन में। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें 8 अंग लगते हैं आपके जमीन में, तो 2 पैर लगे थे, 2 घुटना लग गए, 4 हो गए, 2 हाथ लगे हुए, 6 हो गए, छाती लगा, 7 हो गया, और ये ठुड्डी दाढ़ी लगा, 8 हो गया, ठीक है। इसके बाद लंबा गहरा श्वास लेते हुए बॉडी को आगे झुका ले जाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे, दोनों पैर को मिला कर रखे रखेंगे, एड़िया हमारी मिली हुई इस प्रकार से भुजंगासन। फिर श्वासों को छोड़ते हुए नाभि को देखेंगे, ये 8 नंबर में। अब क्या करेंगे कि बायां पैर हमने सबसे पहले लेकर के गया था, तो दोनों हाथों के बीच में भी बाएं पैर को हम लेकर के आगे की तरफ आएंगे और फिर इस घुटने को आगे निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद श्वासों को छोड़ते हुए बाहर निकालते हुए सिर को पैर से लगाएंगे और दाहिने पैर को भी आगे लेकर के आएंगे इस प्रकार से। फिर दोनों हाथों को मिलाते हुए लंबा गहरा श्वास के साथ पीछे जाएंगे और दोनों कोहनियों को मिलाते हुए ये प्रणाम की मुद्रा में आ जाएंगे अनाहत चक्र के बाद। कोई डाउट है, तेजी के साथ करेंगे तो कैसे करेंगे, इंद्रदेव जी करके दिखाइए, बच्चे लोग करके दिखाइए कैसे करेंगे। एक 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 बार करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो सभी लोग करके देख लीजिए क्या गलती कर रहे हैं, और फिर मुझे मौका मिला तो आप लोग को बाद में भी हम अकेले भी बताएंगे। ये देख लीजिए, 1 2 3 4
पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह, दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह। ये था सूर्य नमस्कार। तो आपका योगिंग जॉगिंग हो गया। जब आप लोग को आज इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मालूम नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। और जब मुझे खुद करना होगा तो कितने मिनट लगेगा? दो मिनट में कर सकते कि नहीं कर सकते? 10-12 बार आराम से कर सकते ना? तो तेजी के साथ हम सूर्य नमस्कार कर सकते, कम से कम 11 बार करेंगे सभी लोग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल के लिए नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि इसका अगला पार्ट भी आप देख सकें।